भा आदि रत, भा यानी ज्ञान प्रकाश, रत यानी रममान, जो निरंतर ज्ञान प्रकाश फैलाता है वो भारत। अ कंट्री कंटिन्यूसली पर्सिविंग लाइट ऑफ नॉलेज। शुरू कहां से करूं समझ नहीं आता, मैं भारत की महानता की इन शब्दों में बयां करूं यही समझना। वैसे तो कहने के लिए विश्व का एक हिस्सा है, लेकिन खुद में एक विश्व है मेरा भारत। जा खुद को पहले लोकतंत्र और सिविल राइट बताने वाले ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में भी कृष्णवर्णियों को महिलाओं को राइट वोट के लिए जूझना पड़ा। वही हमारे संविधान की महानता तो देखो, जिसने स्वतंत्रता के पहले दिन से सभी मावेलों को मतदान का अधिकार दिया। संविधान ने जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान ऐसा कोई भेद न करते हुए कानून के आगे सबको समान माना है। संविधान ने अगर हमें मूलभूत अधिकार दिए है तो राष्ट्रीय एकता अखंड रखने के लिए मूलभूत कर्तव्य भी बताए हैं। विविधता में एकता यही भारत की शान है। तभी तो 85% आबादी हिंदू होने के बावजूद हमने राष्ट्र को भी धर्मनिरपेक्ष बनाया है, क्योंकि हम मानते हैं क्योंकि इस भारत माँ के लिए सभी ने अपना योगदान दिया है। हमारा हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र प्रमुख भी आम आदमी हो सकता है और जनता से ही चुना जाता है, ना कि किसी राजघराने से। आज गरीब का बेटा, चायवाने का बेटा अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से। भारतीय संस्कृति का एक प्रतिबिंब अगर कहीं दिखाई देता है तो वो है भारतीय संविधान। इसलिए संविधान इस देश में सर्वश्रेष्ठ है और होना चाहिए। प्रणाम करता हूँ मैं महात्मा के उन दो सुपुत्रों को जिन्होंने हमें एक परिपूर्ण संविधान देने का प्रयास किया, और प्रणाम करता हूँ मैं सरदार वल्लभ भाई को जिन्होंने एक अखंड राष्ट्र बनाने के लिए 565 रियासतों को भारत में विलीन किया। जरा सोचो कैसे दिखता भारत का लक्ष्य आज टुकड़ों में बटा होता। जिन अंग्रेजों ने लैक्स ऑफ पैरामाउंट के तहत भारत माँ को बांटने का इरादा किया था, कुदरत का करिश्मा तो देखो दोस्तों, आज स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। नियति का नियम तो देखो दोस्तों, जिस बैरिस्टर चीना ने बंटवारे की मांग की उसे पाकिस्तान में एक साल से ज्यादा नसीब नहीं हुआ। 47 में बंटवारा हुआ और 48 में जिला साहब चल रहे थे। मेरे भाइयों बहनों, इस भारत माँ को बांटने वालों के इरादे कभी सफल नहीं होने चाहिए। भारतीय संस्कृति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे जिस देश की धरती को भी माँ के गर्भ पुकारा जाता है उस संस्कृति की महानता के बारे में और क्या कहना। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व एक परिवार, इस संकल्पना से हमने ही पहले दुनिया को अवगत कराया था। और जिस संस्कृति की महानता बताने के लिए स्वामी विवेकानंद को शिकागो सर्वधर्म परिषद में सिर्फ कुछ मिनट का समय दिया गया था, लेकिन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ये लफ सुनते ही 2 मिनट तक तो सिर्फ तालियों की कड़कड़ाहट सुनाई दी थी। ये हमारी भारतीय संस्कृति। बताओ इस संस्कृति और सभ्यता दुनिया में और कहा जिसने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नहीं दो नहीं बल्कि 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ मानववाद के दृष्टिकोण से रिहा कर दिया। हम चाहते तो कश्मीर प्रश्न के लिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकते, लेकिन गद्दारी करना तो हमारी फितरत में नहीं है। ये हमारी संस्कृति। दुनिया ने दोनों तरह की विचारधाराओं का हिस्सा देखा। जहां हिंसा और ताकत के बल पर दुनिया में राज करने निकले हिटलर और सिकंदर को देखा, वही सत्य और अहिंसा के मार्ग से हृदय परिवर्तन में विश्वास रखने वाले बापूजी मतलब महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध को भी देखा। हम तो सदा शांति और अमन में विश्वास रखते हैं। तभी तो न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का स्वीकार किया है। हम तो कहते हैं शांति का नोबेल यूरोपियन यूनियन को नहीं बल्कि भारत को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी जाति धर्मों की अलग अलग विचारधाराओं के भाषा और वेशभूषाओं के लोग सदियों से एक साथ रहते हैं और तरक्की कर रहे हैं। विश्व में भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ ठहरी, क्योंकि समय के साथ बदलना हमेशा इसका स्वभाव हमें डर रहा है। कभी एक बार भी वही कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और जिस दिन हमारा बंधन चक्र रुक गया हम जाति धर्म में बढ़ गए और वर्गियों के गुलाम बन गए। आजादी के 70 साल बाद भी हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में गुजर रहे, इसलिए राष्ट्र निर्माण पर हमें ध्यान देना होगा। आज हमें नेशन फर्स्ट संकल्पना को बड़ा करना होगा। लेकिन जब दादी और असहिष्णुता जैसी बातें सुनते हैं तो बड़ा खेद होता है। एक तरफ देवी के मंदिर बनाते हम, नदियों को राष्ट्रभूमि को मां कहकर पुकारते हैं, और वही दूसरी तरफ मेरी मां बहनों को